नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ऐसे दवाई के बारे में बताने वाले हैं जो दवाई को लेते ही शरीर की सारी ब्लॉकनेसें खुल जाएगी। आपकी लाइफस्टाइल की कुछ खराब आदतों की वजह से, जैसे देर तक बैठे रहना या स्मोकिंग इत्यादि की वजह से DVT यानी कि नसों का ब्लॉक होना का खतरा होता है। कारण जो भी हो, हम आपके लक्षणों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम आज नुस्खा लेकर आए हैं जो कि शरीर की नसों को खोलने में मदद करेंगे। यह एक ऐसा चूर्ण है जिससे शरीर की सारी ब्लॉक नसें खुल जाएगी। पहले हम तो यह जान लेते हैं कि नसों का ब्लॉक होना मतलब क्या। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी DVT की समस्या होने पर दिल को रक्त वापस ले जाने वाली नाड़ियों में रुकावट हो जाती है। DVT दरअसल तब होता है जब एक गहरी शिरा में खून का थक्का जम जाता है और सामान्य रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। आसान भाषा में समझा जाए तो दिल को वापस रक्त दो तरह की नाड़ियां ले जाती है। एक तो वे जो चमड़ी की ऊपरी सतह पर होती है और कभी कभी दिखाई भी देती है, और दूसरी वे जो गहरी होती है और ऊपर से दिखाई नहीं देती। दिल को रक्त वापस ले जाने वाली इन गहरी नाड़ियों में विशेष तौर पर पैरों की नाड़ियों में होने वाली किसी रुकावट को ही चिकित्सकीय भाषा में डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इससे होने वाली सालाना मौत की संख्या छाती के कैंसर, सड़क दुर्घटनाओं और एड्स से होने वाली मौतों से अधिक है। यह ज्यादातर जांग या पैरों में ही होता है, पर हाँ, यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। इन्हें ठीक होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर इसे घरेलू उपचारों से ठीक किया जा सकता है। ब्लॉक नसों के लक्षण। अगर लगातार कुछ घंटों के लिए टांग पिंडलियों में हरकत न हो और इनमें खून का दौरा कम हो जाए तो इस समस्या की शुरुआत हो सकती है। हालांकि कई बार तुरंत तो इस समस्या का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन गंभीर होने पर लक्षण दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ मुख्य लक्षण: पैर में दर्द, एक या दोनों पैरों में अकड़न, पैर में सूजन, टांग के रंग में बदलाव, फेफड़े में श्वास लेने की तकलीफ, सीने में दर्द, खून वाली खांसी होना। शरीर की ब्लॉक नसों का आयुर्वेदिक उपचार। इस वीडियो में जो नुस्खा लेकर आए हैं वो शरीर की नसों को खोलने में मदद करेगा। यह एक ऐसा चूर्ण है जो कि प्राकृतिक चीजों से बनाया गया है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में लेकर आप शरीर की ब्लॉक नसों को खोल सकते हैं। दोस्तों, यह एक नेचुरल चूर्ण है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इसे लेने से पहले आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब आइए जानते हैं कि यह चूर्ण कैसे बनाया जाता है और इसे कैसे लेना चाहिए। जरूरी सामग्री क्या है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। दालचीनी 1 ग्राम, काली मिर्च साबुत 10 ग्राम, तेज पत्ता 10 ग्राम, मगज 10 ग्राम, मिश्री डला 10 ग्राम, अखरोट गिरी 10 ग्राम और अलसी 10 ग्राम। औषधि बनाने की विधि। इन सभी सामग्रियों को किसी मिक्सर के जार में डालकर महीन पीस लीजिए। जब यह पाउडर बन जाए तब इसकी 10 पैकेट बना लें। लीजिए, आपकी दवाई है तैयार। अब हम देखते हैं औषधि लेने का सही तरीका क्या है। आपको एक पैकेट हर रोज खाली पेट सादे पानी के साथ लेनी होगी। दवाई खाने के 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। इस दवाई को लेने से आपकी शरीर की सारी बंद नसें खुल जाएगी। यही नहीं, हार्ट पेशेंट भी इसे खा सकते हैं। इससे इन्हें काफी आराम मिलेगा।
यह नुस्खा इतना कारगर और फायदेमंद है कि आपके शरीर की हर ब्लॉक नसों को खोल देगा और आपको हार्ट अटैक या लकवा जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीवीटी से बचाव के तरीके। इस समस्या से बचने के लिए घंटों तक बिना हिले एक जगह पर ना बैठे। अगर सिटिंग जॉब है तो बीच बीच में उठकर कुछ मिनट के लिए चहल कदमी करें, मतलब थोड़ा सा चल लीजिए। टांगों को बहुत देर तक एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर न बैठे। कभी कभी टांगों की मालिश भी किया करें। महिलाएं शिशु के जन्म के बाद थोड़ी देर के लिए वो चहल कदमी शुरू करें। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने वजन को नियंत्रित में रखें। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज करें और पौष्टिक और ताजा खाना खाएं। एक खास बात का ख्याल रखें कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। तो यही डीवीटी के बारे में जानकारी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए और याद रखिए, आयुर्वेद ही जीवन है, जीवन ही आयुर्वेद है। खुश रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।